गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूनिक स्कूल सीकर। टुडे वी स्टार्ट अवर सेवंथ चैप्टर एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। वी स्टार्ट चैप्टर सेवन। फर्स्टली अपन यहाँ पर एटॉमिक थ्योरीज पढ़ेंगे। एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, आफ्टर देन नील्स बोर की जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे। उसके पश्चात अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन के बाद में अपन जानेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। प्रीवियस या एनिशियंट टाइम से ही जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो मैटर है उस मैटर के बारे में जानने की डिजायर रही है, और इसका अपने पास में बहुत से प्रूफ जो है वो अवेलेबल हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं कुछ यहाँ पर फिलोसोफर्स की, जैसे कि एक इंडियन फिलोसोफर था जिसका नेम है महर्षि कणाद ने 500 BC यानी बिफोर क्रिस्ट 500 BC उस एनिशियंट टाइम में भी उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जब मैटर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर एक ऐसी स्टेज आती है उसके बाद में आफ्टर देन उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। आफ्टर देन वी विल नॉट डिवाइड टू दिस मैटर या दिस पार्टिकल, और दिस पार्टिकल्स को इन्होंने क्या कहा था, परमाणु कहा था। क्या कहा था उसको इन्होंने, परमाणु कहा था। क्लियर है। उसके बाद में जो है कात्याम आए थे, ये भी एक इंडियन फिलोसोफर थे, और इन्होंने क्या कहा कि जो मैटर होता है उस मैटर के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स जो है एक साथ कंबाइंड होकर के और क्या करते हैं, मैटर की वेरियस फॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर दैट। फिर ये तो दोनों थे इंडियन फिलोसोफर की बात हुई, इसके अलावा भी ये तो था ऑलमोस्ट 350 बिफोर क्रिस्ट। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं ऑलमोस्ट इसी टाइम डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ये क्या थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। ये कैसे थे, ग्रीक फिलोसोफर। ये जो ग्रीक फिलोसोफर थे इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब मैटर को डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड मैटर, देन मैटर जो है उस मैटर की एक ऐसी स्मॉलेस्ट कंडीशन आती है आफ्टर देन उसको क्या नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। दीज अनडिविजिबल पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने कहा ये क्या है, एटम। और ये जो एटम वर्ड है, इस एटम वर्ड का मीन्स क्या होता है, ये टू ग्रीक वर्ड से, यानी ये टू वर्ड से मिलकर के बना, ए प्लस टॉम। ए का अर्थ होता है कैन नॉट और टॉम का अर्थ होता है कट, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जिसको आगे क्या नहीं किया जा सकता, फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको कट नहीं किया जा सकता, और उसे इन्होंने क्या नाम दे दिया था, एटम नेम दे दिया था। किसने दिया था ये एटम नेम, डेमोक्रिटस ने ये एटम नेम दे दिया था। तो ये बात हुई किसकी, ग्रीक फिलोसोफर्स की। तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से अपन जनरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एनिशियंट टाइम से जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग की ये डिजायर रही है, क्यों वो जो है वो मैटर के बारे में जानने का इच्छुक रहा है, डिजायरेबल रहा है। आफ्टर देन लेकिन यहाँ बात करें तो ये जो थे ये सिर्फ फिलोसोफर्स की टॉकिंग थी, बट इसका कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंटली कोई प्रूफ जो है वो अवेलेबल नहीं है। जब एक्सपेरिमेंटली कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है तो जो है इनकी सिर्फ अपन जो है एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, लेकिन इसको क्या नहीं किया, जो साइंस है वो क्या नहीं देती, इनको ट्रूथ नहीं मानती। बट आगे हुआ क्या, इन 18th century अपन बात करते हैं, इन
18th century, at end of 18th century, और अपन कहें तो इसके ऊपर जो है, यानी जो एटम जो है, इस एटम के ऊपर कई इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो वर्क स्टार्ट हुए। कब? एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी के अंदर, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग के अंदर, इन 1808 जोहन डाल्टन ने और एटॉमिक थ्योरी दी। और ये एटॉमिक जो थ्योरी थी, ये एटॉमिक थ्योरी इन्होंने कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड दी? एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एटॉमिक थ्योरी थी। यानी कि यहाँ ये नहीं थी कि ऐसे ही बोल दिया, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो स्टडी की, और इस स्टडी के बेस के ऊपर इन्होंने क्या दिया कि एटॉमिक थ्योरी जो है, ये एटोमेटिक थ्योरी पोस्टुलेट की। अब इस एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो है, जॉन डाल्टन ने क्या कहा, अब अपन बात करते हैं किसकी, एटॉमिक थ्योरी कब दी गई, 1808 में, किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन ने ये जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, ये एटॉमिक थ्योरी जो है, ये कंप्लीटली बेस्ड थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर। केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिए थे? एल लेवोइजर और जे एल प्राउस्ट ने। किसने दिया था? लेवोइजर और जे एल प्राउस्ट ने क्या दिए थे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए थे। ठीक है, ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो थे, इनमें टू लॉज इनके द्वारा क्या किए गए थे, पोस्टुलेट किए गए थे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन या डिफिनाइट प्रोपोर्शन जो है, ये किसके द्वारा दिए गए थे? लेवोजियर और जे एल प्राउस्ट के द्वारा। कंजर्वेशन ऑफ मास ये ऑलमोस्ट 1788 में लेवोजियर के द्वारा दिया गया, और जे एल प्राउस्ट के द्वारा 1798 में कौन सा दिया गया था? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो दोनों लॉज जो थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, इन दोनों लॉज के ऊपर कंप्लीटली जो एटॉमिक थ्योरी है, ये एटॉमिक थ्योरी डिपेंड है। ठीक है, और अपन ये कहें तो जब इन्होंने ये लॉज दिए थे, तो इनका एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन जो है, वो भी किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। क्योंकि ये लॉज तो जेल लेवोजियर और जेल प्राउस्ट ने दे दिया था, लेकिन उसके बाद में अदर जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट के सामने ये एक प्रॉब्लम थी कि वो इसका क्या नहीं दे पा रहे थे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे। तो उसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, उस प्रॉब्लम को भी यहाँ से फार अवे किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया, अपनी एटॉमिक थ्योरी के द्वारा। और इन्होंने इन दोनों रूल्स के ऊपर बेस्ड जो है, अपनी एटॉमिक थ्योरी इन्होंने रिप्रेजेंट की, अपनी पोस्टुलेट की। और इस एटॉमिक थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या कहा? द पोस्टुलेशंस ऑफ एटॉमिक थ्योरीज आर, फर्स्टली ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अपन ये कहें तो ऑल सब्सटेंस या ऑल मैटर, ऑल सब्सटेंस इज कंपोज्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड
एटम। यानी कि ऑल जो मैटर होते हैं वो किससे कंपोज होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स से कंपोज होते हैं, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, इन स्मॉल पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम कहा जाता है। सेकंड अपन बात कहें तो एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल है, ऐसा किसने कहा था, जॉन डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर कहा था। आफ्टर देन इन्होंने क्या कहा कि ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास साइज और प्रॉपर्टीज, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज सिमिलर इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि एक एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, वेरियस एटम्स प्रजेंट होते हैं, तो ये जो वेरियस एटम्स होते हैं, ये वेरियस एटम्स क्या होते हैं, मास में, साइज में और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है इनकी, सभी की क्या होती है, सेम होती है। फोर्थ अपन बात करें, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर different in mass, size and chemical properties। फिर जो different element है, उन different elements के जो atom हैं वो क्या होते हैं, different होते हैं mass में, size में और chemical properties के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइन टुगेदर इन वॉल नंबर to form compound। जो different element है, different elements के atoms जो हैं वो एक दूसरे के साथ में combined होकर के, और combined होकर के किसका formation करते हैं, compound का formation करते हैं, और किस में combined होते हैं, wall number के अंदर combined होते हैं। किस में combined होते हैं, वॉल नंबर में कंबाइंड होते हैं, जैसे कि अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में अपन इसकी स्टडी करते हैं, आपने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में अपन इसकी स्टडी की थी। इसके बाद में अपन 6th पॉइंट जो है वो क्या कह सकते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो एटम्स केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, रीअरेंज्ड होते हैं। इनको ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स को ना तो क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही इसको क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एटम्स आर रीअरेंज्ड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एटम्स आर रीअरेंज्ड इन केमिकल रिएक्शन। आगे मैंने क्या बताया आपको, दीज एटम्स neither be created and nor be destroyed during chemical reaction। chemical reaction के दौरान ना तो एटम को क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऐसा किसने कहा, डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर कहा।
तो यहाँ देखो अपन ने बात क्या की थी कि डॉल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो कम्प्लीटली किसके ऊपर बेस्ड थी, इन लॉज के ऊपर बेस्ड थी। तो यहाँ देखो लास्ट वाला जो अपन ने पॉइंट पढ़ा है, एटम्स आर रीअरेंज्ड इन केमिकल रिएक्शन, दीज एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी अपन ने क्या पढ़ा था, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी ये जो है ये कम्प्लीटली किसको फॉलो करता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इससे ऊपर वाला अपन देखें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर इन वोल नंबर, वोल नंबर के अंदर ऐड होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन को क्या करता है, ये फॉलो करता है। तो इस प्रकार अपनी जो ये एटॉमिक थ्योरी जो थी डॉल्टन की, ये कम्प्लीटली किसके ऊपर बेस्ड थी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। लेकिन ये क्या नहीं है, ये कम्प्लीट जो जो एक एक्सप्लेनेशन दिया जाना चाहिए वो कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन जो है ये नहीं दे पाया, ठीक है। लेकिन ये जो है एटम का कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं कर पाया, लेकिन ये वो जो बेस जो चाहिए होता है साइंटिस्ट को, अदर साइंटिस्ट को, जिसके ऊपर वो क्या कर सके, आगे जो है फर्दर जो डिस्कवरी है एटम्स की जा सके, वो जो बेस है वो किसने प्रिपेयर किया, वो बेस प्रिपेयर किया जोहन डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी से। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आगे जैसे फर्दर जब हुआ तो वहाँ पर एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई। तो जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई और आफ्टर देन भी इसमें कई चेंजेस जो हैं वो चेंजेस अप्रूवल हुए, आइसोटोप आइसोबार की डिस्कवरी हो गई, तो भी इस एटॉमिक जो थ्योरी है ये एटॉमिक थ्योरी उन आइसोटोप आइसोबार की भी जो एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। तो एटॉमिक जो थ्योरी थी ये एटॉमिक जॉन डॉल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी ये कम्प्लीटली सिर्फ क्या थी, एक बेस था जिस पर कि अदर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, आगे एटम की जो है फर्दर स्टडी की और उसमें जो है वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स आइसोटोप आइसोबार और जो फर्दर है इनोवेशन जो है उन्होंने वहाँ पर किए। और उसके बाद में ये जो अपन एटॉमिक थ्योरी जो अपन पढ़ रहे हैं ये एक ओल्ड एटॉमिक थ्योरी है। आप जब 11th क्लास के अंदर जब आप साइंस सब्जेक्ट लेंगे और वहाँ जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी आपको पढ़ने को मिलेगी। और मॉडर्न एटॉमिक जो थ्योरी है उस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा जाता है कि अपन ये तो ज़रूर कहते हैं कि एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, लेकिन ये किस में डिवाइड होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड होता है। तो अपन वहाँ कहते हैं कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बट इट डिवाइडेड इंटू सब एटोमिक पार्टिकल्स, क्लियर है। यहां पर अपन ने पढ़ा है कि इसके अलावा भी इसमें जो आइसोबार है आइसोटोप है उनको यहां पर इसमें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, और जो भी फर्दर और इनोवेशंस हैं उनकी आप जो हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अपनी जो है नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे थॉमसन का मॉडल, कौन सा मॉडल है, इसके बाद में थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो एटॉमिक मॉडल जो है वो दिया गया, और ये भी मॉडल भी जो था एट द एंड ऑफ अपन ये कहें तो 19th सेंचुरी के अंदर ही क्या हुए, एटम्स के ऊपर फर्दर और डिस्कवरीज स्टार्ट हो गई, और फिर जो थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो एटॉमिक मॉडल आया, उसके बाद में रदरफोर्ड का आया, फिर बोहर मॉडल आया। तो इनकी अपन वन बाय वन जो है स्टडी जो है वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे। यदि यहाँ से आपको कोई डाउट है एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।